दीवारें खजूर के टहनियों की छत, लंबाई 35 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, दीवार की ऊंचाई 2 मीटर। इसमें 3 दरवाजे हुआ करते थे। मगरिब की जाने में दरवाजे से बाब आतिका के नाम से जानते थे, आज हम से बाबुर रहमा के नाम से जानते हैं, 3 नंबर का। मशरूम की जाने में दरवाजा जिसे बाबे उस्मान के नाम से जानते थे, आजकल उसे बाबे जिब्रील के नाम से जानते, 40 नंबर के थे। आप देखें मशरूम की छत शिमाल की जाने में, और इसमें देखें जुनूब की जाने में, तहवील किला से पहले यानी हमारा जो किला हुआ बैतुल मक़द्दस की तरफ हुआ करता था, लेकिन 17 महीनों तक बैतुल मक़द्दस की तरफ हमने रुक करके किला बनाते थे, नमाज पढ़े तो छत से जाने में। तहवील किला हुआ जब काबतुल्ला की तरफ हमारा किला किया गया, छत को इस जाने मुंतकिल किया, यहाँ आधी छत को इसे छोड़ी गई असहाब सुफ़ा के लिए, यानी जो शख्स जो ओ सहाबा इकराम जो मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे हिजरत करके, उनके पास खाने की चीज़ें नहीं थी, रहने के मकान नहीं थे, वो यहाँ रहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम का गुजरा मुबारक। ये है गुजरा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, इस डिटेल से बात करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वाए खैबर से वापस आए सन 7 हिजरी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरत महसूस की मस्जिद की तोसी की जाए, आपने मस्जिद की तोसी की, लंबाई मैंने बताया 35 मीटर हुआ करती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें 15 मीटर इजाफा किए यानी 50 मीटर, चौड़ाई में 20 मीटर इजाफा किए, पहले 30 मीटर बाद में 20 मीटर यानी 50 मीटर, मस्जिद 50 बाय 50 की, दीवार की ऊंचाई में 1.5 मीटर इजाफा किया, पहले 2 मीटर बाद में 1.5 मीटर, 3.5 मीटर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकौल नक्बा तकरीबन 2475 स्क्वायर फीट था। इसके बाद एक नंबर से सुना इंशाल्लाह उसको डे बाय डे स्टे बाई स्टे, लेकिन इसके लिए आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो भारत तौसी की, उन्होंने की तौसी की मेरी जानेब यानी जुनूब की जानेब 5 मीटर, मगरिब की जानेब 10 मीटर, शिमाल की जानेब 15 मीटर की जानेब, 3 दरवाजों को मस्जिद में, मेरे 3 दरवाजों को नबी करीम जमाने में उन्होंने मस्जिद 3 दरवाजों को जाना, यानी कुल 6 दरवाजे इनके जमाने में मस्जिद नबी करीम कोटप्पा 3575 स्क्वायर मीटर में, तकरीबन 1100 स्क्वायर मीटर उन्होंने इजाफा किया। यहाँ से देखा गुजरा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मौजूद है, इसके बारे में फिर से डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो मस्जिद में चेंजिंग आई आपके पीछे देखा अच्छी दीवार हुआ करती थी, खजूर की टहनी हो गई थी, तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा अच्छी दीवार हो गई, काले के लिए पत्थर हो गई थी, खजूर की टहनी से छत हटा कर कुछ दी गई, लकड़ी होकर छत सब पर आई, लंबाई में 80 मीटर, चौड़ाई में 75 मीटर, मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4000 मीटर। यहाँ से देखिए मुझे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मौजूद है, सवाल ये पैदा होता है कब और किसने पहली मरतबा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को मस्जिद में दाखिल किया, सवाल के जवाब में सुल्तान अब्दुल मजीद अस्सानी रहमतुल्लाह ने उनके जमाने में मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,303 स्क्वायर मीटर जो यहाँ तक है आज भी इस तरह मौजूद है, इसमें किसी तरह की छेड़खानी नहीं की गई। इससे आगे 3 मसर आपसे सऊदी हुकुमरान ने कहा सऊदी हुकुमरान भाई किंग अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने तो शुरू की, लेकिन उनके वफात के बाद उनके बेटे किंग सऊद रहमतुल्लाह ने हिफाजत की तक पहुँचाया, उन्होंने कुल 6,000 स्क्वायर मीटर एड किए, यानी किंग सऊद रहमतुल्लाह के जमाने में मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 16,300 स्क्वायर मीटर था। मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री में तारीख में सबसे बड़ा काम सबसे बड़ी तौसी हुई है। हजरत ये छोटा जो गुंबद है ये सफेद, ये जो छोटा सफेद गुंबद है और ये जो नहीं, इस मीनार का अंदाज दूसरे मीनारों से डिफरेंट, लेकिन आजकल एक को बाकी रखा गया, अलावा बाकी को चेंज कर
साल पहले 1988 से 1990 के दरमियान में इस तरीके से इस साल की बात करते हैं, देख रहे हैं छुट्टियों की तादाद 250 एक छुट्टी के नीचे 800 इनकी तादाद 10,000 3,000 खाने में और नीचे बेसमेंट में जो पार्किंग एरिया है 4,500 कार पहले पार्किंग की बात करें सारी जो मीनार है वो 105 मीटर बीच का दो मीनार 70 मीटर शुरू का दो मीनार 40 मीटर ऊपर से जो आप गुंबद देखे 27,080 फीट तीन गुंबदों को रिमोट कंट्रोल के जरिए आगे दरवाजे गेट से और 6,000 तकरीबन 6,00,000 स्क्वायर मीटर 2,400 स्क्वायर मीटर 6,00,000 स्क्वायर मीटर ऊपर और बाहर कुल मिलाकर के 12 से 14 लाख लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। सिर्फ मस्जिद के अंदरूनी हिस्से पर 7 से 8 लाख लोग इससे भी बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। जनरल मस्जिद के साइड में आप देखें काम जारी है तो उसी कहाँ तक की जाएगी कितने लोग नमाज अदा कर सकेंगे और कब तक पाए तक।